हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एनटीपीसी के जो पेपर होने वाला है, एनटीपीसी के जो पेपर में पूछे जाएंगे, वो सवाल किस टॉपिक में से, कितने टॉपिक हैं और किस टॉपिक में से कितना कितना आपको पढ़ना है, क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ। आपको पता ही होगा कि जो पेपर होने वाला है वो तीन सब्जेक्ट हैं, एक तो जनरल अवेयरनेस, क्वालिटी एप्टीट्यूड और मेरे ख्याल से रीजनिंग। 30 नंबर का रीजनिंग और क्वालिटी एप्टीट्यूड 30 नंबर का, और जनरल अवेयरनेस जो है वो 60 नंबर का। तो मैं आपको क्वालिटी एप्टीट्यूड से शुरू करता हूँ कि इसके अंदर जो चैप्टर रहेंगे और उसमें से कितने कितने मार्क्स का या कितना कितना वेटेज रहेगा। तो ये आप देखिए, क्वालिटी एप्टीट्यूड जो सिंप्लीफिकेशन है उसके अंदर से 4 या 5 नंबर का आएगा आपका सवाल। और ये जो टॉपिक होंगे कम होंगे, बोर्ड मास रूल, फ्रैक्शंस, स्कोर्स, इंडीज एटसेट्रा, और इंटरेस्ट में से, परसेंटेज में से, इंटरेस्ट में से एक या दो सवाल, जो परसेंटेज है उसमें से 2 या 3 सवाल, रेशो प्रोपोर्शन में से 1 या 2 सवाल, एवरेज में से 2 या 3 सवाल, प्रॉब्लम और एज में से 1 या 2, और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में 1-2, अलजेब्रा में से 1 या 2 आ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस में से 2 या 3, नंबर सीरीज में से 2 या 3, मेंसुरेशन में से 1 या 2, टाइम एंड वर्क में 1 या 2, ऐसे मिक्सचर एंड प्रॉब्लम में 1 या 2। तो आप देख सकते हैं कि जो ज़्यादा वेटेज का है इसके अंदर टॉपिक जो बनता है हमारा, वो बनता है सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन में से 4 या 5 सवाल आ रहे हैं, तो आपको सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से करना होगा। और इतना मुश्किल सिंप्लीफिकेशन भी नहीं होगा, 3 सवाल तो आसान हो गए, लेकिन जनरली 2 सवाल हो सकते हैं कि आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट पूछ लिए जाएँ, या थोड़े कॉन्सेप्चुअल होंगे, समझने से आप अगर उनमें ध्यान लगाएंगे तो हो जाएगा। दूसरा सब्जेक्ट जो आता है वो आता है इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग। इसके अंदर क्लासिफिकेशन में से सवाल 2, एनालॉजी में से, सीरीज में से, कोडिंग में से, सीरीज में से 1 या 2। सीरीज के क्वेश्चन जनरली जो रेलवे पूछता है वो थोड़े टफ पूछता है, कोडिंग और डिकोडिंग के लिए आसान पूछता है, ब्लड डिलेशन बहुत आसान होता है, इसमें 2 सवाल आते हैं, क्लॉक एंड कैलेंडर में से ही बहुत आसान पूछता है, डायरेक्शन में हाँ थोड़ा पूछ लेता है कॉम्प्लिकेटेड, और अरेंजिंग के जो RRB के कितने भी पेपर में अरेंजिंग या सीटिंग अरेंजमेंट के जितने भी सवाल होते हैं वो काफ़ी ट्रिकी होते हैं और टाइम टेकन होते हैं, बहुत टाइम लेते हैं और लेंथी क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आप अरेंजिंग और जो जितने भी सीटिंग अरेंजमेंट हैं उनको ध्यान से कर लीजिए। वर्ड फॉर्मेशन में से 2 सवाल आ सकते हैं, मिसिंग नंबर में से 2, वेन डायग्राम और पजल, नॉन वर्बल में से 1 या 3 सवाल आ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितना किस में आपको कितना कितना पढ़ना है। अब जो लास्ट सब्जेक्ट आता है वो आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस आप जानते हैं कि सिर्फ जनरल अवेयरनेस का मतलब सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं है, इसके अंदर आपको एनवायरनमेंट, यानी कि इसमें देखा जाता है कि 40 नंबर अगर जनरल अवेयरनेस है तो 10 से 12 नंबर की या 15 नंबर तक की आपको साइंस मिल सकती है उसमें। उसके बाद 8 से 6 नंबर का आपका करंट अफेयर होगा और बाकी बचे हुए नंबर की जनरल नॉलेज होगी। साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी तीनों आ जाती हैं। ये आप देख लीजिए, एनवायरनमेंट में से 1 या 2 सवाल, लिविंग ऑर्गेनिज्म में से 1 सवाल आ सकता है, और लाइफ प्रोसेस में से 1 क्वेश्चन बन सकता है, नेचुरल रिसोर्सेज में से, एसिड बेस में से, जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें से आ सकता है, मेटल नॉन मेटल में से। और आप मेरी बात मानते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं, तो पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ के जाइएगा, और मोशन के जो लॉ हैं वो आप ठीक से पढ़ के जाइएगा। साउंड चैप्टर जो है किसी भी पेपर के लिए, RRB के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट, साउंड और इलेक्ट्रिसिटी तीनों चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इन्हें अच्छे से करके जाइएगा। और करंट अफेयर में से 3 या 4 सवाल, ज्योग्राफी, मिसलिनियस, हिस्ट्री, पॉलिटिकी, कंप्यूटर अवार्ड, स्पोर्ट्स, ये सब आप ठीक से कर लीजिएगा। अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा
कि जो आरआरबी का पेपर है वो एक 100 मार्क्स का होगा और ये 90 मिनट का होगा। इसमें हाँ हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ी हाई चली जाए, क्योंकि आपको जैसा पता है 35,000 के लगभग पोस्ट हैं और लगभग 1 करोड़ 37 लाख बंदों ने फॉर्म भर दिया है, तो एप्लीकेशन फॉर्म ज़्यादा आए हैं, तो ये कह सकते हैं कि 1-2% या 5% कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, हाई जा सकती है। लेकिन कंपटीशन वाले बंदे या कंपटीशन वाले कैंडिडेट सिर्फ 30-35% ही होंगे, इसलिए आप अपनी मेहनत करते जाइए, ईजीली आप